स्टूडेंट्स, क्लास 11, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, आपका चैप्टर नंबर 30 वो हम स्टडी कर रहे हैं। लिमिट्स क्या होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी। उसके बाद एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने पढ़ा। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा कि किस तरह से लिमिट एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, इन सब में बिहेव करती है, वो सब चीज़ें हमने कल नोट की। आज हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, फिर मैंने रूल बताया आपको कि लिमिट्स हम किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, तीन स्टेप्स उसके मैंने आपको लिखवाए। अब हमने वो स्टेप्स सीख लिए। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स जो आपको लर्न करनी है, जो आपको याद रहनी चाहिए। ट्वेल्थ में आपने कॉन्टीन्यूटी पढ़नी है, कॉन्टीन्यूस फंक्शंस पढ़नी है, उसके लिए लिमिट्स जो हैं ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स में आज आपको लिखवाऊंगा, ये आपने लर्न कर लेनी है। तो सबसे पहले है लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए, एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए एन माइनस वन, वेयर एन इज सम रैशनल। ये स्टैंडर्ड लिमिट, एक्स वेरिएबल है, ए कोई कांस्टेंट है, एन रैशनल नंबर है। तो इस तरह का स्टैंडर्ड लिमिट आपके सामने है तो उसका रिजल्ट ये होता है। इन फ्यूचर आपको इस तरह की कोई लिमिट है, आप डायरेक्ट उसका आंसर ये लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद है लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज वन, वेयर, ये लिख लें आप सभी, नोट कर लें, आपकी बुक पे सारी लिमिट्स ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो यहाँ आपको लिखने चाहिए, इसलिए ये आप नोट डाउन कर लें और अपने लिमिट्स के चैप्टर में ये चार्ट बनाकर रख लें। वेयर एक्स इज, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने मेजर्स पढ़े हैं, एंगल के, आप रेडियंस में, डिग्री में और ग्रेड्स में मेजर करते हैं एंगल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब आप कैलकुलस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फंक्शंस हैं तो एंगल किस में होगा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था। तो वेयर एक्स इज मेजर्ड इन रेडियंस, इस चीज पर। उसके बाद ये अभी जो मेरे पास टेक्स्ट बुक है, ये मेरे पास कुछ पुराना एडिशन है, दो चार साल पुराना। सो दो साल पहले जो है कुछ सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी लिमिट्स की और डेरिवेटिव्स की आपकी बुक में इंक्लूड की है बोर्ड ने, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लास्ट के पेजेस आप निकालना जहाँ आपके आंसर्स दिए हुए हैं एक्सरसाइज के, इनके बाद, इस बुक पे नहीं है लेकिन आपको वहाँ पर वो एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो मैं कल वो एक्सरसाइज ले आऊँगा, आपको वो एक्सरसाइज भी लिमिट्स की पढ़नी है। फिलहाल मैं आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स लिखा रहा था। तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो ई एक्स माइनस ऑन एक्स इज इक्वल टू वन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो log 1 plus x upon x, लाल इतनी, बाकी जो 11th के सिलेबस में इतनी है, इसके आगे जो लिमिट्स पढ़नी होंगी वो हम 12th में फिर वो पढ़ लेंगे। तो ये आपकी सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज इन दो पे बेस्ड होगी। अभी वाली एक्सरसाइज में आपको ये दो स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज होंगे। फिलहाल तो हम आज वाली एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले मैं आपको इनके प्रूफ करवा देता हूँ।
लिमिट x अप्रोचिंग a x n माइनस a n अपॉन x माइनस देखें पुट x इक्वल टू a प्लस h जब फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन नहीं हो सिंपली इस वक्त ये लिमिट इनडिटर्मिनेट है आप चेक कर लें जीरो बाई जीरो आ जाता है अगर आप x की जगह पर पहला रूल ये है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो a माइनस a जीरो हो जाएगा इनडिटर्मिनेट है इसलिए दूसरा आता है फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन कोई पॉसिबल हो यहाँ पर वो n पावर है इंडेक्स n है इसलिए थोड़ा टफ है तो हम सब्स्टिट्यूशन लास्ट ऑप्शन हमारे पास होती है तो पुट x इक्वल टू a प्लस एच एज x गोज टू a क्योंकि हमारे पास यहाँ लिमिट है x टेंड कर रहा है a को तो x a हो गया तो h हो जाएगा जीरो देयरफॉर लिमिट h अप्रोचिंग जीरो a प्लस एच रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस या पहले लिमिट लिख देते हैं एक्स एन माइनस ए एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो ए प्लस एच रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर एन ए प्लस एच माइनस ए दिस इज बायनॉमियल थ्योरम लगाएंगे बायनॉमियल थ्योरम आप सबने पढ़ी है सो एन सी जीरो ए एन प्लस एन सी वन ए एन माइनस वन एच की पावर वन प्लस एन सी टू ए एन माइनस टू एच टू प्लस सो वन प्लस एन सी एन एच एन माइनस ए एन अपॉन एच और लिमिट कितनी है लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो आप सबको पता है कि एन सी जीरो वन होता है एन सी वन एन होता है एन सी टू आप कैलकुलेट करें एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता रहता है तो सबकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा ए एन प्लस एन ए एन माइनस वन एच प्लस आगे सेम रहने दें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है एन माइनस टू एच टू इसके बाद एन सी थ्री एच पावर थ्री प्लस वन और एन सी एन जो है वो भी वन होता है सो एच की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एच ये और ये दिस इज एच कॉमन निकाल लिया सिंप्लीफिकेशन हम इसलिए करते हैं कि वो फैक्टर जिसकी वजह से इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है वो हम ख़त्म कर पाएँ तो h है मैं h कॉमन निकाल रहा हूँ तो यहाँ एन सी टू ए एन माइनस टू एच एक ही बचेगा क्योंकि एक h हमने कॉमन निकाल दिया प्लस एन सी थ्री एच स्क्वायर प्लस वन प्लस एच एन माइनस वन क्योंकि एक h कॉमन निकाला हुआ है दिस इज अब आप लिमिट इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं जहां जहां h था तो h जीरो को अप्रोच कर रहा है जीरो आ गया दिस इज n a n माइनस एंड द प्रूफ इस तरह से ये स्टैंडर्ड लिमिट जो है इसका प्रूफ हो गया
नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो साइन एक्स वाई एक्स इक्वल सर्कुलर फंक्शन है तो एंगल रेडियन में है तो सर्कुलर एंगल देखें हम किस तरह से लेंगे। दिस इज सेंटर। आप रेडियस जो यूनिट सर्कल भी ले सकते हैं लेकिन अगर यूनिट सर्कल नहीं ले रहे हैं तो आप रेडियस आर ले लें। सो ये एंगल जो है एक्स रेडियन और एक्स जीरो का अप्रोच कर रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें ए और इसको प्रोड्यूस करें ताकि यहाँ पर परपेंडिकुलर आ सके बी सी डी। ये कंस्ट्रक्शन तो इसमें आपने लिखना है कंसीडर अ ट्राइंगल सॉरी कंसीडर सर्कल विद रेडियस आर। लेट द आर्क ए सी सबटेंड्स एन एंगल एक्स रेडियन एट द सेंटर ओ। ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। प्रोड्यूस ओ सी टू बी सच दैट बी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। इतनी सी आपने इसकी दो लाइंस लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है फ्रॉम द फिगर क्लियरली एरिया ट्राइंगल ओ डी सी इज लेस देन और इक्वल टू एरिया सेक्टर ओ ए सी लेस देन एरिया ट्राइंगल ओ ए। सर लेस तो दिख रहा है ये एरिया इस सेक्टर ये वाला सेक्टर यहां से लेकर यहां इस सेक्टर के एरिया से कम है और फिर सेक्टर का एरिया इस ट्राइंगल के एरिया से कम है लेकिन इक्वेलिटी कहां से आ गई। इक्वेलिटी इसलिए आती है लेस तो आना था इक्वल क्यों आ रहा है तो इक्वेलिटी arises as x tends to zero क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें x जीरो का अप्रोच कर रहा है। जीरो का अप्रोच करने का मतलब है ऐसे 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 ये स्ट्रेट लाइन की तरफ तो सबका एरिया जीरो को अप्रोच करेगा इसलिए उस केस में इक्वेलिटी होगी। तो ये लाइन मैंने लिख दी कि इक्वेलिटी arises as x goes to zero। अब बात करते हैं एरिया की। एरिया ट्राइंगल ओ बी सी राइट ट्राइंगल है तो एरिया होता है 1/2 ओ डी इंटू डी सी परपेंडिकुलर इंटू बेस। इसका एरिया जो है सेक्टर का एरिया आपको ध्यान होगा 10th और 9th में आपने पढ़े होंगे सर्कल्स में तो यहां आप सेक्टर लिख देना एरिया तरह से आप भूल जाओगे कि ये क्या है सेक्टर ओ ए सी। तो सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लेकिन हम डिग्रीज में नहीं ले रहे हैं हम ले रहे हैं रेडियंस में तो रेडियन में 360 टू पाई के करो तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह हमने एक्स लिया है और ये हो जाएगा 2π। सो दिस इज पाई आर स्क्वेयर एक्स अपॉन 2π फिर 1/2 ओ ए इंटू ए अब इनमें से देखते जाएं कौन कौन सी जो चीज थ्रू आउट होती है किसी भी इनइक्वालिटी में थ्रू आउट जो क्वांटिटी होगी पॉजिटिव क्वांटिटी वो डिवाइड हो जाती है या हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से तो इन इक्वालिटी लीनियर इक्वेशन आपने पढ़े हैं। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 करेंगे सो हमारे पास रहेगा ओ डी इन टू
डी सी पाई आर पाई पाई कैंसल, सो आर स्क्वेयर एक्स ओ ए ए बी। रीजन लिखना होगा तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय टू। नेगेटिव नंबर से करते तो इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, हमने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है इसलिए इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। अब ओ डी जो है उसका हमें पता नहीं है, ओ सी का पता है कि आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी आपको। देखें ये रफ में करें, इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ डी सी, ओ टी अपॉन ओ सी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉस एक्स। सो दिस इंप्लाइज ओ टी इज इक्वल टू ओ सी कॉस एक्स, मीन्स आर कॉस एक्स, ओ सी आर के इक्वल है। ये हो गया आर कॉस एक्स इन टू डी सी, तो डी सी भी निकालना है, सो डी सी बाई ओ सी साइन एक्स, सो डी सी आ गया ओ सी साइन एक्स आर साइन एक्स, ये हो गया आर साइन एक्स आर स्क्वेयर एक्स ओ ए आर ए बी। सो इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी आपको निकालना है ए बी, सो ए बी अपॉन आपको पता कौन सा है, यहाँ ओ बी नहीं पता है, ओ ए पता है, टैन एक्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस। सो दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू ओ ए, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो आपने टेंथ में भी पढ़ी हुई है, इलेवेंथ में पढ़ी हुई है। सो दिस इज आर टेन एक्स, देखिए आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर थ्रू आउट है, सो ये हो जाएगा कॉस एक्स साइन एक्स एक्स टेन एक्स। क्या किया, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग, वो रेडियस है पॉजिटिव होता है हमेशा तो डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से थ्रू आउट डिवाइड किया तो आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइड हो गए कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास बचा। दिस इंप्लाइज कॉस एक्स लेस देन एक्स वाई साइन एक्स लेस देन वन बाई कॉस एक्स, क्या किया डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई साइन एक्स। क्वेश्चन है सर क्यों डिवाइड किया, भाई हमें एक्स नहीं चाहिए, हमें साइन एक्स बाई एक्स चाहिए, तो यहां एक्स बाई साइन एक्स मिला तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो जब रेसिप्रोकल लिया जाता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, टेकिंग रेसिप्रोकल। देखें टू इज लेस देन थ्री, तो जब वन बाई टू करो ग्रेटर देन वन, वही कॉस एक्स इसे लेस देन था, जब वन बाई कॉस के तो ग्रेटर देन हो गया। अब हम लिमिट ले लेते हैं, अब जब लिमिट लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो वन बाई कॉस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग जीरो दिस इंप्लाई ये हो गया वन बाई वन कॉस जीरो वन होता है। सो सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे, देखें वन से और वन के बीच में ही है तो ये ग्रेटर और लेस देन एट अ टाइम हो नहीं सकती है, तो इक्वल ही होगी। बाय सैंडविच थ्योरम हेंस द प्रूफ।
तो कल इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स आपने चार जो मैंने लिखवाई ये आपने लर्न कर ली है, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी और इसकी एक्सरसाइज भी, सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत से क्वेश्चन हैं बस, और इसमें थ्योरी कोई नहीं है। ये जो रूल्स बेसिक मैंने आपको दो बताए थे और ये स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये आप लर्न कर लें तो आप बहुत ईजिली लिमिट्स सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट आपको सॉल्व करना आए, इवेल्युएट करना आए लिमिट्स फंक्शन की, तभी जाकर हम 12th स्टैंडर्ड में कॉन्टिन्यूटी जो है वो पढ़ सकेंगे और रेस्ट ऑफ कैलकुलस जो है वो तभी आपको समझ में आए। आज के लिए इतना काफ़ी है।